रविवार को जिलाधिकारी सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर विशेष व्यय प्रेक्षक बीआर बालाकृष्णन ने निर्वाचन व्यय की विस्तृत समीक्षा बैठक किया। उन्होंने व्यय प्रेक्षकों से स्टैटिक निगरानी दल, उड़नदस्ता वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, व्यय अनुवीक्षण सेल, लेखा टीमों की वर्किंग व सक्रियता और उनके द्वारा की जाने वाली प्रभावी कार्यवाही की जानकारी ली। टीमों को चुनाव से 72 घंटे पूर्व अलर्ट मोड में और अधिक सक्रियता के साथ फील्ड में काम करने सहित अंतर जनपदीय सीमा पर चुनाव के मद्देनजर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों की बिंदुवार जानकारी दी। डीएम ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के बारे में अवगत करा दिया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव कराने की तैयारियों के बारे में जानकारी दिया। समीक्षा बैठक में एडीएम वित्त, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह सहित अन्य समस्त विधानसभा के प्रेक्षक व अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। Sir, after that we had deployed the teams, the SST, SST teams and NAKAs were covered and all that. We had one round of booth review and all that from the sector ministry. Yeah, we motivated them to go for that. That's a bit of a stretch for somebody to work for 12 hours. So did we project the requirement and we couldn't get the manpower? No, sir. No, it's not that, sir. We had one. So, and they are used to doing that also. And they were officers, which we had selected officers only who are experienced in enforcement. So instead of deploying somebody who has no experience in magistracy or enforcement,